सोयाबीन जैसे हम सभी जानते हैं कि ये बहु उपयोगी फसल है। इसमें इसको हम सब्जी के रूप में, दाल के रूप में और जो है तेल के रूप में, तीनों तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इसका सब्जी का सवाल है कि सब्जी के लिए इसकी किस्में, जो सब्जी की किस्म होती हैं, वेजिटेबल टाइप जो किस्में होती हैं, उनका जो है उनकी हम फली से मटर की तरह दाने निकाल कर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि वैसी जो सोयाबीन है बिना सब्जी वाली, उसमें जो है उसके दानों में जो है एक कसीलापन होता है। तो कसीलापन जब आप खाते हैं तो आपको अजब तरह की महक आती है, तो वो जो है एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर के द्वारा होती है और वो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो उसको, इनको हम डायरेक्ट एज ए यूज नहीं कर सकते, बशर्ते हम इसको अगर उबाल दें, उबालने के बाद ट्रिप्सिन इनहिबिटर आपका जो है खत्म हो जाता है। तो उसके हम, यानी कि वो कसैलापन उबालने के बाद चला जाता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर खत्म हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग जो है सोयाबीन, क्योंकि आपकी जो है ये तिलहनी रूप में जो है उपयोग हो रही है, इसका तेल निकालने के बाद इसका जो आपका जो है खली बचती है उसको हम विभिन्न जो है प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। जैसे आपने अभी बताया कि इसकी बड़ी बिकती है, इसका नमकीन भी बनता है। अच्छा। इसका जो है आपके जो है डिफरेंट जो है प्रोडक्ट हैं, जैसे आपका जो है इसका सोयाबीन का दूध, सोया मिल्क और सोया पनीर। अच्छा। जिसको हम टोफू बोलते हैं, तो सोयाबीन पनीर, तो ये और कौन इतने प्रोडक्ट हैं इसके मार्केट में आजकल अवेलेबल, तो सबके लिए स्पेसिफिक कंपनियां बहुत सी बना रही हैं। जैसे चाइल्ड के लिए कुछ बना रही हैं, कुछ स्पोर्ट्स वालों के लिए अलग से बना रही हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। जी, जी, जी। क्योंकि प्रोटीन वैसे इसमें 40% होती है, लेकिन आपने अगर इसमें से तेल निकाल लिया तो प्रोटीन की मात्रा 50% हो जाती है, और अगर आपने जो है उसको आइसोलेट या कंसनट्रेट बना दिया तो 99% प्रोटीन उसमें मिलेगी। तो उससे हम जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं एथलीट्स के लिए और आपके चाइल्ड के लिए और वुमेन्स के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए सब तरह के प्रोडक्ट। ये इसमें नेचुरली तो 40% प्रोटीन रहता ही है और प्रोसेस भी कर दे तो प्रोटीन की मात्रा और बढ़ जाती है। दूसरा इसका ये है उपयोग, अगर सोयाबीन आप देखिए तो, क्योंकि सोयाबीन बहुत सी बीमारी जो हमारी होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज है। अच्छा। है ना, जैसे डायबिटीज है, आपका कैंसर है, आपका जो है ऑस्टियोपोरोसिस है, उनके लिए भी सोयाबीन बहुत उपयोगी है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो जिसका तेल है ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप सोयाबीन का ऑयल तेल इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें जो है 85% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती हैं। अच्छा। और इसका अमीनो एसिड जो प्रोफाइल है प्रोटीन का, तो उसमें जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड वो होती हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनती, तो उनको जो है हम सप्लाई करते हैं, तो इसमें सभी जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड पाई जाती हैं। दूसरा है। इसका उपयोग बायोडीजल। अच्छा। बायोडीजल भी इसका बनाया जा रहा है, आपका जो है सोयाबीन के तेल से जो है बायोडीजल भी बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा। तो इसका ये कहते हैं ना बहु उपयोगी मिरेगिल क्रॉप, इसको गोल्डन बीन भी बोलते हैं। अच्छा। और मीट ऑफ द फील्ड भी बोलते हैं। मीट ऑफ द फील्ड, मीट मींस जो प्रोटीन होती है, जी, जो जी, आप जी, मीट से इतना नहीं ले सकते, तो ये पैदा करती है पर यूनिट एरिया सबसे ज्यादा। ये वैसे भी सोयाबीन की जो बढ़िया होती है, जब इसको खाया जाए तो मीट जैसी लगेगी, मीट जैसी लगेगी। दूसरी इसकी उपयोगिता ये है, जैसे अभी इसका जो है, क्योंकि इसकी ये दलहनी फसल है, इसकी गांठों में, इसकी जड़ों में गांठ बनती है, जो गांठ जो है वायुमंडल से नत्रजन इकट्ठा करती हैं, और नत्रजन ये 100 से 200 किलोग्राम नत्रजन इकट्ठा कर लेती है। सोयाबीन को चाहिए 100 से 125 किलो नत्रजन, तो 40-50 किलो नत्रजन ही इसमें ही छोड़ देगी। जो आप अगली फसल लोगे तो उसके लिए भी आपको कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।